पर्सनैलिटी का ट्रेट हैगा कि मैं चीज़ा जानने का शौक हैगा। मेरे टीचर्स चाहे मेरे स्कूल ने मेरे कॉलेज है मैं हर जगह उस चीज़ लिए एनकरेज किया जाता है। कदे किसी ने रोकया नहीं कि तू इन्हें सवाल पूछ दी है, मैं हमेशा हर किसी ने एनकरेज करे। पहले ही डिसाइड करके गई सी कि कोई एहोजा क्वेश्चन आंदा है जिहड़ा मैनू नहीं आंदा, तो मेरे को जे कोई लाइफ लाइन नहीं हैगी तो मैं उस क्वेश्चन नू अटैम्प्ट नहीं करना। जे मैं 50 लाख दे क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिंदी तो मैं सीधा 3,20,000 ते डिगदी, तो बहुत वड्डा लॉस हो जाता है। इस करके मैं डिसाइड करिया कि यही सब तो वधिया डिसीजन है, क्विट कर लेना चाहिए। तो मैं ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं लग्या, मैं उस क्वेश्चन बारे बहुत गहराई से नहीं पता सीगा, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए टफ सीगा। पहले कोई प्ले स्टोर से ऐप नहीं सी जिदे ते आपा प्रैक्टिस कर सकिए, अपना टाइम इंप्रूव कर सकिए, क्योंकि वो आईटी सेक्टर इच ने, ता उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ऐप तैयार की जिदे ते मैं फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट दे टेस्ट की तैयारी कर सका। कोई भी कुड़ी हैगी है उन्होंने भी रब ने उन्ना ही टैलेंट दिता है जिन्ना कि एक मुंडे नू दिता है। बल्कि कई सानू अवसर देखने मिलते हैं कि कुड़ियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंदियां ने, तो अपनी बेटियां नू वो मौका जरूर देन। कुछ सेकंड्स लिए तो मैं फ्रीज हो गई सी, मैं इमोशनल भी हो गई सी जदों मेरा नाम अनाउंस होया। मैं यकीन नहीं हो रहा सीगा कि रियलिटी च हैगा, सब कुछ एक सुपने वांगू लग रहा सीगा। एक लाइन है कि हाले तो ध्यान है मेरा अपनी मंजिल वल, की कहती है दुनिया, कदे फिर सोचांगे। इन्हां लाइनां नूं पूरा कीता ग्रामीण बैंक मकड़ौना कलां दे मैनेजर आरती बजाज जी ने, जिहड़े करोड़ बने कौन बनेगा करोड़पति दे विच 25 लाख का इनाम जित के आए हैं। आप गल कर लें, सत श्रीकाल जी। मैम सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल। सब तो पहला तो जी मुबारक है थानू कि तुसी अपना जिहड़ा कौन बनेगा करोड़पति दे विच जिहड़ा विन हो के आए 25 लाख रुपए जित के आए, साडे वल्लों मुबारक। थैंक यू सो मच सर, ए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्राउड की गल है, तो मैं बहुत ब्लैसड फील कर रही हाँ कि रब ने मेरे ते इन्नी मेहर करी कि मैं इन्ने वे प्लेटफॉर्म पर गई, अमिताभ बच्चन सर नू मिली तो उन्होंने स्टेज शेयर करया, तो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जीत के आई हाँ। मैं रब का बहुत थैंक्स करती हाँ। थैंक यू सो मच सर। मैम किमें दा सफ़र है, तुसी बैंक दे विच जॉब भी करदे आ, बड़ा टफ है बैंक दे विच भी काम, काफ़ी जिहड़ियां हैगियां सिर ते जिम्मेवारियां हुंदियां, उस तो बाद भी तुसी टाइम कढ़िया, ते किमें दा सफ़र रहा जी? सर ए सफ़र लंबा रहा हैगा, बट मैं अपने आप नूं बहुत खुशकिस्मत समझदी हाँ कि मैं अपने नेड़े तेड़े सारे लोगों का बहुत सहयोग मिले इस जर्नी विच, मैं बहुत सपोर्ट मिलिया, तो कितने ना कितने मैं लगता है उस सपोर्ट का ही रिजल्ट हैगा कि अज मैं उस मंजिल ते पहुंची हाँ जिहड़ी मैं बहुत सालों तो मैं ट्राई कर रही सी। सर मैं अज भी याद हैगा जो मैं छोटी हुंदी सी, 5वीं क्लास सी, मेरे पापा जाते हुंदे सीगे PCO ते, मेरे लिए उस टाइम KBC किड्स आता हुंदा सीगा और रजिस्ट्रेशन करन जाते हुंदे सीगे, ते वो शो बहुत फॉलो करते सीगे। मैनू तो उस टाइम इन्ना GK च इंट्रस्ट नहीं सीगा, बट मेरे फादर साहब वो शो फॉलो करते सीगे, ते उस करके मेरे अंदर ना वो नींव पई, ते अज वो वृक्ष इन्ना वड्डा हो गया सी। फिर जदों मैं स्कूल गई सी तो मैं क्विज कॉम्पीटिशन बहुत इंट्रस्ट हो गया सीगा, मैं GK बहुत इंट्रस्ट हो गया सीगा, तो मैं शुरुआत तो ना बड़ी क्यूरियस होंदी सी मैं कि यह चीज़ किवें होंदी है, बहुत सवाल पूछती सी अच्छा यह चीज़ किवें वर्क करती है, तो मैं कितने ना कितने लगता है कि जेडे मेरे परसनैलिटी का ट्रेट हैगा कि मैं चीज़ा जानने का शौक हैगा, तो मेरे टीचर्स चाहे मेरे स्कूल ने मेरे कॉलेज है मैं हर जगह उस चीज़ लिए एनकरेज किया जाता है। कदे किसी ने रोकया नहीं कि तू इन्हें सवाल पूछ दी है या फिर तेनों इन्नी जानन दी हैगी है, मैं हमेशा हर किसी ने एनकरेज करे, चाहे मेरी वो पेके की फैमिली हैगी है उन्होंने मैं शुरू तो बहुत सपोर्ट करे, तो मेरे सोरे भी बहुत बहुत ज़्यादा चंगे ने, तो मैं दसना चाहवागी मेरे बैंक ने भी मैं बहुत सपोर्ट करेगा, चाहे मेरे वो बैंक के स्टाफ हैगा, मेरा अपना स्टाफ हैगा, या साढ़े जेडे RM सर है श्री PP सर जी, उन्होंने मैं बहुत सपोर्ट करे इस जर्नी, बहुत मोटिवेट करे कि यस तू कर सकती है, उधर जाके वधिया कर सकती है। मैं सर मेरी फैमिली, मेरे ऑफिस, मैं सारे का बहुत सपोर्ट मिले। तो मैम एक जदों तुहाडे सामने अगला क्वेश्चन आया 50 लाख रुपए का, किवें लग्या कि इसनों फिर क्विट किया, किवें की सोच के? सर मेरे नाल एवें होया सीगा, 25 लाख ते मेरी 2 लाइफलाइनस, एक लाइफलाइन सी 50-50 जिस अपने 2 ऑप्शन मिट जाते हैं गलत, तो एक लाइफलाइन सी वीडियो ए फ्रेंड, वो मेरी यूज़ हो चुकिया सीगा, ते मैं ना पहले ही डिसाइड करके गई सी कि कोई एहोजा क्वेश्चन आंदा है जिहड़ा मैनू नहीं आंदा, जिदा मैं बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मेरे को जो कोई लाइफ लाइन नहीं हैगी तो मैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना। मैं क्योंकि 50 लाख 25 लाख भी एक वड्डी अमाउंट हैगी है, एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है, जे मैं 50 लाख दे क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिंदी तो मैं सीधा 3,20,000 ते डिगदी, तो बहुत वड्डा लॉस हो जाता है। इस करके मैं डिसाइड करिया कि
ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਵਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਫ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਵਿਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫੋਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਸਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ KBC ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟੈਸਟ ਫਿੰਗਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ 10 ਚੋਂ 5, 6 ਜਾਂ 7 ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਐਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਫਿੰਗਰਸ ਫਸਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਣ। KYC ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਲਈ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ KBC ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਆਉਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤਾਭ ਸਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 1% ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੀਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ
किसी कंटेस्टेंट लिए कोई राशि कितना मैटर कर सकती है। बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि जिवें हुण कुड़ियां अगे वधदियां जा रही हैं, पहला पीटी ऊषा ने साडे देखो कितना वड्डा नाम रोशन किया, काफ़ी इदा लड़कियां जिहड़ियां अगे आईयां, की कहना चाहुंदे आ लड़कियां? सर मैं कह रही हूँ कुड़ियों नू सब तो पहले तो अपना इंटरस्ट देखना चाहिए कि मेरा इंटरस्ट किस चीज़ है, अपने एक जेन्युइन सानू टैलेंट पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई चंगा होवे, हो सकता है कोई सिंगिंग अच्छा है, कोई डांसिंग, कोई कुकिंग, कोई किसी होर तरह के टैलेंट, किसी नू हो सकता है किसी कुड़ी का मन होवे कि मैं बिजनेस करना है, लेकिन जिहड़ी भी चीज़ वो करना चाहते हैं उन्होंने लभना बहुत जरूरी है। तो मैं यह सजेशन देवांगी कि जिहड़ा भी उन्हों का मन है वो उस हिसाब नाल अपनी पढ़ाई करन। पहले सानू बहुत क्लीयर होना चाहिए माइंड कि असी लाइफ की करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई स्कॉलर बने, जरूरी नहीं है हर कोई PhD करे, कोई आर्टिस्ट भी बहुत चंगा बन सकता है। तो अजकल तो इन्नी अपॉर्चुनिटीज़ ने, उन्होंने वो चीज़ परस्यू करनी चाहिए, अपने सपन की तरफ कदम बधाना चाहिए। अजकल साढ़े को सब तो पहली गल है इंटरनेट हैगा, असी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि असी कोई लॉयर बनना चाहते हैं तो लॉयर किवें बनया जा सके। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ ने, अजकल गाइडेंस की कोई कमी नहीं हैगी, बस हिम्मत सानू करनी पैनी है। जे असी थोड़ा अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना करिए, फोकस रहिए अपने गोल पर, तो असी लाइफ बहुत कुछ पा सकते हैं। तो पेरेंट्स नू भी मेरी यही एडवाइस है कि अपने बच्चों गाइड तो पेरेंट्स ने करना है, उन्होंने टैलेंट नू एनकरेज तो करना है। हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स चंगा हो, जिवें तुसी पीटी ऊषा जी का करिया, जे आप करिए एक कंपनी हैगी नाइका जेडे फैशन प्रोडक्ट्स सेल करती है, उन्हों की जी CEO है वो फीमेल हैगी है, वो एक नॉर्मल उन्होंने काम शुरू करया से, आज इंडिया की इन्नी वड्डी कंपनी है। तो बहुत फीमेल्स हैगी अलग अलग क्षेत्र अपना एग्जाम्पल सैट कर रही ने, चाहे वह माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, चाहे वह बिजनेस करना है, तो बहुत एग्जाम्पल्स ने स्पोर्ट्स साढ़े ओलंपिक्स मैडल जीत के आ रही हैं कुड़ियाँ। तो पंजाब तो अपना इन्ना ज़्यादा पोटेंशियल है स्पोर्ट्स का, तो हर क्षेत्र है, ऊंचाइया की कोई कमी नहीं हैगी, सानू हिम्मत करनी पैनी है। धन्यवाद जी। सो कौन बनेगा करोड़पति दे विच 25 लाख दे विजेता आरती बजाज जी कहते हैं कि भी अगे वधो, अगे वधदा रहना चाहिए, कुड़ियों भी जिहड़ा हैगा सोच समझ के अपने फैसले लेने चाहिए, क्योंकि बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा आसमान दे नीचे जिवें पंछी उड़दे हैं, बहुत वड्डी दुनिया, तुसीं अपने टैलेंट नूं जिहड़ा हैगा अगे लेके आओ। रोजाना स्पोक्समैन लई मनजीत इमान, मोरिंडा।